फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 26 मार्च का शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन और अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था द किंग ऑफ श्रीलंका ड्यूरिंग द अशोका पीरियड। तो अशोका के पीरियड में श्रीलंका का कौन किंग था? तो देवनाम पिया तीस, ये किंग थे श्रीलंका के। और देखिए, देवनाम पिए अशोका का भी नाम था, दूसरा नाम अशोका का, ये देवनाम पिए एक टाइटल दिया गया था पब्लिक के द्वारा अशोका को। तो वही जो टिस राजा थे वहां के श्रीलंका के, वो देवनाम पिए उस टाइटल को ग्रहण किए थे। तो इसीलिए ये फेमस हो गया क्वेश्चन, मतलब अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया। खेलो इंडिया टाइटल ट्रैक किसके द्वारा गाया गया है? तो देखिए, राज्यवर्धन राठौर के द्वारा ये सॉन्ग गाया गया था, खेलो इंडिया 2017, कहीं ये करेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, उज्जैन इन विच रिवर, उज्जैन जो सिटी है वो किस रिवर पर स्थित है? तो सिप्रा सिटी पर स्थित है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज किस दो कंट्री के बीच में होता है? ये डिफेंस का एक्सरसाइज है, तो ये इंडिया और इजराइल का एक्सरसाइज है। देखिए, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम, हर मतलब कि शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो एक्सरसाइज पढ़ लीजिए। न्यूमरिकल पूछा गया है, वर्क बराबर वी इंटू क्यू, मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था और चार्ज दिया हुआ था वर्क निकालना, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है पीछे भी शिफ्ट में, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल में जितना भी वीडियो अपलोड किया नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि हर एक जो पीछे का जो ये जितना क्वेश्चन है वही यहाँ पर दिया गया है, ये कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है पीछे सेक्शन में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी है। ग्राम पंचायत कंसिस्ट, देखिए ग्राम पंचायत बहुत सारा चीज कंसिस्ट करता है, मगर इसमें ऑप्शन के अनुसार वार्ड पंचायत इसका आंसर होना चाहिए, तो वार्ड पंचायत इसका आंसर होगा। आइसोमर्स क्या होता है? देखिए, आइसोमर, आइसोबार, ये सब सब पीछे हम लोग किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, उसी चीज को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। तो आइसोमर्स क्या होता है? ईच ऑफ द टू और मोर कंपाउंड्स विद द सेम फॉर्मूला बट ए डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन मॉलिक्यूल्स एंड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आइसोमर्स का एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता, ये डिफिनेशन केमिस्ट्री के अनुसार यही होता है, तो मैंने डिफिनेशन लिख दिया है। तो आप हो सकता है कि एलिमेंट का नाम पूछ दे और उसमें आइसोमर्स आइसो ये पूछा जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए, अल्फास माउंटेन रेंज विच टाइप ऑफ विंड ब्लो। तो देखिए, ये पहले पहला को जब पहले का शिफ्ट आया था उसमें पूछा गया था अल्फास माउंटेन है कहाँ, एल्प्स माउंटेन है कहाँ, उसका सबसे ऊंचा पॉइंट है कौन, ये सब क्वेश्चन आया था। उसमें ये पूछा गया इस शिफ्ट में कि अल्फास माउंटेन में किस टाइप का हवा बहता है, तो फोहिन एक हवा है, ठीक है, वो बहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अर्थ टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन। तो अर्थ का टेम्परेचर कितना होता है? सबसे कोर में 1.5 लाख सेल्सियस होता है। ठीक है, कोर में, एकदम कोर अंदर में, सबसे जो न्यूक्लियस टाइप का होता है उसमें। और एक चीज इससे रिलेटेड क्वेश्चन और जानिए कि हर 32 मिनट पर 1 डिग्री टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है, यदि 32 डिग्री आप खोदते हो तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। चलिए देखते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द एशिया बेस्ट गेम चेंजर अवार्ड। तो देखिए, एशिया बेस्ट गेम चेंजर अवार्ड देव पाटिल एंड आप आगाह खान जीते थे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आया रिलेटेड टू गेम्स स्टेटमेंट, इसके पीछे शिफ्ट में भी आया है, तो उसका एक ही स्टेटमेंट हमको मिला है। इसका 3 स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गेम्स से रिलेटेड जो भी करेंट में अभी खेला गया हो, सारे को आप लोग एक बार देख लीजिए कि कौन कहाँ पर खेला गया और कौन कौन जीता है कप, जैसे कि चेस कंपटीशन वर्ल्ड कप कौन जीता, हॉकी का वर्ल्ड कप कौन जीता, फुटबॉल का कौन जीता है, फीफा कौन जीता है, क्रिकेट आईसीआईसी कौन जीता, आईपीएल कौन जीता, ये सारा कुछ देख लीजिए एक बार। श्रीलंका हैज गिवन इट्स पोर्ट्स ऑन द लिस्ट फॉर 99 ईयर्स टू विच कंट्री। श्रीलंका अपना पोर्ट 99 साल के लिए किस कंट्री को लीज पर दिया है? तो वो है चाइना आंसर। ठीक है, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन से क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, तो इसको भी देख लीजिए, इससे डिटेल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, एच टी एम एल का ये भी क्वेश्चन पुराना है, एच टी एम एल का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो फुल फॉर्म भी एक क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।